हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स के ऊपर। और दोस्तों, हमने इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया मैंने, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स में हम मेनली तीन कैटेगरीज को देखेंगे, मेगा स्ट्रक्चर्स, माइनर स्ट्रक्चर्स और माइक्रो स्ट्रक्चर्स। पहले अगर हम मेगा स्ट्रक्चर्स की बात करें दोस्तों, तो ये जब मैग्मा फ्लो स्टेज में होते हैं दोस्तों, तब ये मेगा स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, जैसे एक्सट्रूसिव बॉडीज के केस में, ठीक है। तो इसमें अगर हम पहले बात करें दोस्तों वेसिकुलर और एमिग्डेलॉइडल स्ट्रक्चर्स की, तो दोस्तों लावा जो होता है उसमें गैस और वोलेटाइल्स मैटर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जब ये लावा सॉलिडिफाई होता है अर्थ सर्फेस में, तो ये जो गैस और वोलेटाइल्स रहते हैं ये स्केप कर जाते हैं एटमोसफेयर में। उसके कारण क्या होता है, जो हमारा लावा है वहाँ कैविटीज फॉर्म हो जाता है, जिसे हम वेसिकल्स बोलते हैं। और दोस्तों, ऐसे रॉक्स में, ऐसे स्ट्रक्चर वाले रॉक को हम वेसिकुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, कैविटीज, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो वेसिकल्स होते हैं, ये कैविटीज होते हैं दोस्तों, इसमें अगर कैल्साइट, डियोलाइट्स या कोई भी अदर सेकेंडरी मिनरल्स इसमें फिल हो जाए, तो इसे हम एमिग्डेलॉइड्स बोलते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चर वाले रॉक को एमिग्डेलॉइडल स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये है, और इसमें जो कैविटीज हमारा वो फिल हो चुका है कैल्साइट, जियोलाइट और अदर सेकेंडरी मिनरल्स से, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेलुलर और स्कोरेसियस स्ट्रक्चर की, तो दोस्तों जैसे कि हमने बात की, गैसेस और जो वोलेटाइल्स होते हैं वो बबल आउट कर जाते हैं दोस्तों, उसके कारण कैविटीज बनते हैं और सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस में। तो दोस्तों, जब कैविटीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत एबंडेंट हो जाते हैं दोस्तों, तो उन्हें हम प्यूमिस या रॉक फ्रोथ बोलते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम दोस्तों सेलुलर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं कैविटीज जो है वो बहुत ज्यादा इसमें बहुत एबंडेंट है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम सेलुलर या स्कोरेसियस स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेटी स्ट्रक्चर की, तो दोस्तों ज्वाइंट्स के कारण क्या होता है कि जो रॉक्स है, रॉक मास में, उसमें प्लेट्स क्रिएट हो जाते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम प्लेटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीट की, तो दोस्तों ज्वाइंट्स के कारण स्लाइसिंग हो जाता है दोस्तों, जो सीट है वो स्लाइस में बढ़ जाता है, स्लाइस हो जाता है, कट जाता है दोस्तों, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम सीट स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फ्लो की, तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि इग्नियस रॉक में हम पैरेलल बैंड्स देखते हैं, स्ट्रेट लाइंस देखते हैं, जो कि मैग्मा जो फ्लो होता है, जो मैग्मा फ्लो होता है, जो मैग्मा कूल होता है दोस्तों, उसके कारण और क्रिस्टलाइजेशन के कारण वो हमें दिखता है। और ऐसे स्ट्रक्चर वाले रॉक को हम फ्लो स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें माइनर स्ट्रक्चर की, तो दोस्तों मेगा स्ट्रक्चर में हमने देखा कि वो फ्लो स्टेज ऑफ मैग्मा में बनता है, एक्सट्रूसिव बॉडीज इन सब के केस में। और माइनर की बात करें, तो माइनर बनता है दोस्तों फ्लूड स्टेज के केस में, मैग्मा का जो फ्लूड स्टेज होता है उस केस में बनता है, उसे हम माइनर स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसे इंट्रूसिव बॉडीज के केस में, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें प्राइमरी फोलिएशन की, दोस्तों फोलिएशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग इनटू थिन सीट्स, थिन सीट्स में स्प्लिट हो जाना। तो दोस्तों ये क्यों होता है कि जो पैरेलल अरेंजमेंट्स होता है प्लेटी और इलिप्सॉइडल ग्रेन्स का, तो उसके कारण प्राइमरी फोलिएशन बनता है। तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये एक रफ इलस्ट्रेशन है प्राइमरी फोलिएशन का, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें बेंडिंग इन रॉक्स की, तो जो लेयर्ड रॉक्स होते हैं दोस्तों, उसमें अल्टरनेटिंग बैंड्स होते हैं अलग अलग कॉम्पोजिशन के, और वैसे स्ट्रक्चर में को हम बेंडिंग इन रॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें स्क्लेरन की, तो दोस्तों ये वेवी और इरेगुलर सीट्स होते हैं दोस्तों, जिनका कोई शार्प कॉन्टैक्ट नहीं होता है अपने सराउंडिंग इग्नियस रॉक से, ठीक है दोस्तों, इसे हम स्क्लेरन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, तो दोस्तों ये था माइनर स्ट्रक्चर्स, अब हम बात करते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर्स की। तो दोस्तों माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये तब बनते हैं जब ऑलरेडी सॉलिडिफाइड मैग्मा होते हैं और जो बचे हुए मैग्मा होते हैं उनके बीच जो रिएक्शन होता है, उनके कारण जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं, उन्हें हम माइक्रो स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इसमें हम पहले देखते हैं रिएक्शन रिम्स की। तो दोस्तों जब ऑलरेडी क्रिस्टलाइज मिनरल्स और जो बचे हुए मैग्मा है उनके बीच में जब रिएक्शन इनकम्प्लीट होता है, मतलब अधूरा रह जाता है दोस्तों, तो जो कोरोडेड मिनरल्स होते हैं, जो पाए जाते हैं, वो सराउंडेड होते हैं कुछ न्यू मिनरल्स से, जो कि रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं, और वैसे जोन को हम रिएक्शन रिम्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो जब रिएक्शन रिम्स हमारा मैग्मेटिक रिएक्शन के कारण प्रोड्यूस होगा, उसे हम कोरोना स्ट्रक्चर बोलेंगे, और जब वो सेकेंडरी रिएक्शन के कारण प्रोड्यूस होगा, उसे हम कैलिफिथिक बॉर्डर बोलेंगे। नेक्स्ट बात करें ज़ेनोलिथिक स्ट्रक्चर की दोस्तों, तो दोस्तों जब हमारा इग्नियस रॉक के पास, इग्नियस रॉक में दोस्तों फॉरेन रॉक फ्रेगमेंट जब आ जाता है दोस्तों, फॉरेन रॉक फ्रेगमेंट, तो उन्हें हम ज़ेनोलिथिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं इग्नियस रॉक में,
जो फॉरेन रॉक पार्टिकल्स या फॉरेन रॉक फ्रेगमेंट्स ऑकर हो जाते हैं, बन जाते हैं, आ जाते हैं, तो उसे हम ज़ेनोलिथिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेरलिटिक क्रैक्स की दोस्तों, तो ये कर्व्ड कॉन्सेंट्रिक लाइंस होते हैं फ्रैक्चर की, जो कि वोल्केनिक ग्लास में देखे जाते हैं। मैं आपको इमेज भी दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं ये वोल्केनिक ग्लास और ये है दोस्तों पेरलिटिक क्रैक्स। देख सकते हैं आप वेवी कर्व, वेवी कॉन्सेंट्रिक टाइप्स के दोस्तों। तो ये है वोल्केनिक ग्लास और ये है पेरलिटिक क्रैक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।